Yes, myself, I'm working Bhushan. This is a new initiative for current affairs program, that is CAF. It will be very, very useful for IAS, BCS and other major competitive exams. My main purpose is to work for a student and uplift their knowledge. It will cover daily news of national and international. It is today, 27th March 2017. So the most important news of today's are, Janm hote hi 50,000 ki malik hogi beti. उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार अपनी चुनावी वादा पूरा करने के लिए भाग्यलक्ष्मी योजना शुरू करेगी। योजना के तहत गरीब परिवार में बेटी का जन्म होते ही उसका नाम 50,000 रुपये का बॉन्ड जारी होगा। योजना को अमली जामा पहनाने के लिए महिला कल्याण विभाग को एक महीने में नियमावली तैयार करने का निर्देश दिया गया है। भाग्यलक्ष्मी योजना को शुरू करने की तैयारी तेजी से चल रही है। इससे बेटी को जन्म होते ही उसके नाम 50,000 का बॉन्ड जारी होगा। योजना महिला कल्याण विभाग के जरिए लागू हुई। सूत्रों का कहना है कि इस योजना को लागू करने की जो प्रारंभिक प्रस्ताव तैयार किया गया उसमें मुफ्त बांड के साथ लड़की के कक्षा 6 में दाखिला लेने पर 3,000 रुपये, कक्षा 10 में पहुंचने पर 7,000 और 12 में पहुंचने पर 8,000 रुपये की राशि देने की बात कही गई है। योजना को लागू करने के लिए नियमावली बनाने का कार्य तेजी से चल रहा है। सूत्रों का कहना है कि आदित्यनाथ योगी सरकार ने महिला कल्याण विभाग के अधिकारियों को मध्य प्रदेश, दिल्ली व कुछ अन्य राज्यों में चल रही इससे मिलती जुलती योजनाओं की नियमावली का अध्ययन कर भाग्यलक्ष्मी योजना की नियमावली बनाने को कहा है। द नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज इज, कानून ही नहीं सेहत के लिए घातक अवैध बूचड़खाने। उत्तर प्रदेश में अवैध बूचड़खानों पर चल रही कटार को लेकर काफ़ी हल्ला हो रहा है, लेकिन सेहत के लिए घातक इन बूचड़खानों की हकीकत सदमे में डाल सकती है। बीमार पशुओं के 8% रोग उसका मांस खाने वाले में फैलने की आशंका रहती है और विशेषज्ञों का मानना है कि मनुष्यों में टीबी और रेबीज समेत कई गंभीर बीमारियां का स्रोत ऐसे मांस ही है। ऐसे में अवैध बूचड़खानों के बाद लाइसेंसशुदा बूचड़खाने भी संदेह के घेरे में हैं। उनके यहाँ पशुओं को काटने की पूरी प्रक्रिया निगरानी वाली सरकारी प्रणाली भी ध्वस्त है। देश के मांस निर्यात में उत्तर प्रदेश की कुल हिस्सेदारी 50% के आसपास रहती है। बीते साल सूबे के मीट प्रोसेसिंग केंद्रों ने 17,000 करोड़ रुपए से अधिक कारोबार किया। भैंस का मांस बीफ के तौर पर निर्यात किया जाता है, लेकिन समुचित निगरानी के अभाव में प्रतिबंधित होने के बावजूद गायों की कटाई की सूचनाएँ भी बाहर आती रही। भाजपा इस मुद्दे को विधानसभा चुनाव में पूरे जोर शोर से उठाती रही है। सत्ता में आते ही निगरानी प्रणाली की चुस्त बनाने को जोर देना होगा। राज्य सरकार ने जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वाले बगैर लाइसेंसी अवैध बूचड़खाने बंद कराने के सख्त निर्देश दे रखा है। शहरी क्षेत्रों में बूचड़खानों को निगरानी स्थानीय निकायों की होती है, जहां तैनात पशु चिकित्साधारी इसके लिए जिम्मेदार हैं। नेक्स्ट न्यूज, चिंताजनक हालत, कैंसर जैसे जानलेवा बीमारी से बचने के लिए दिल्ली के अस्पतालों में बेहतर सुविधाएं न होना चिंताजनक। सरकारी अस्पतालों में रेडियोथेरेपी तक की पर्याप्त सुविधा नहीं है। कैंसर के मरीज अधिक हैं, जबकि रेडियोथेरेपी मशीनें एवं डॉक्टर कम। 175% मरीजों की रेडिएशन थेरेपी की सुविधा मिल रही नहीं पाती। जांच के बाद भी इलाज के लिए मरीजों को कई माह इंतजार करना पड़ता है। एक अंतर्राष्ट्रीय मेडिकल जर्नल में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा समय में मरीजों के दबावों के चलते कई अस्पतालों के रेडियोथेरेपी सेंटरों में रोजाना 14 घंटे तक मशीनें चलती हैं। इनमें से एक दिन में 50 से 90 मरीजों का इलाज होता है। इससे लापरवाही होने की आशंका भी बनी रहती है। नतीजा, समय पर कैंसर का पता चलने जाने के बावजूद कितने ही मरीज इलाज के अभाव में दम तोड़ते हैं। राजधानी में चिकित्सा सुविधाओं को लेकर दावे बहुत किए जा रहे हैं, किंतु ऐसे दावों का फायदा क्या? अगर जानलेवा बीमारियों से इलाज की पुख्ता व्यवस्था नहीं है तो फिर अन्य बीमारियों को लेकर भला क्या कहा जा सकता है? कैंसर का इलाज महंगा है। आम आदमी मरणासन स्थिति में निजी अस्पताल जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता, जबकि इस बीमारी के लिए रेडिएशन और कीमियोथेरेपी ही सबसे ज़्यादा जरूरी है। अगर देश की राजधानी के सरकारी अस्पतालों में भी इसके लिए पर्याप्त सुविधाएँ नहीं है, तब देश के अन्य हिस्सों का क्या हाल होगा? वैसे एक ही विडंबना है कि निजी अस्पतालों में अत्याधुनिक सुविधाएं और तकनीक लाए जा रहे हैं, जबकि सरकारी अस्पताल अपने परंपरागत ढांचे से ही ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं। आज भी सरकारी अस्पतालों में चिकित्सा सुविधाओं की बदहाली देखने को मिलती है। इस स्थिति पर सरकार और अस्पतालों के प्रबंधन तंत्र दोनों को गंभीरता दिखानी होगी। सो दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज ऑफ टुडे। आई वुड लाइक टू से शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक।
because these all are very, very important for all of you. So thank you very much. Wish you all the best. God bless you. God bless India.